आज मैं आपके सामने एक कविता पेश कर रहा हूँ जिसके रचयिता हैं मराठी के ख्यातनाम कवि श्री पुरुषोत्तम शिवराम रेगे। इस मराठी कविता का अनुवाद हिंदी में किया है श्री दिनकर सोनवलकर जी ने। कविता का शीर्षक है पहली बार ही। तो आइए सुनते हैं मराठी कविता का हिंदी अनुवाद पहली बार ही। और शब्दों का माध्यम छूट चुका था तब पहली बार ही उससे मेरा संवाद हुआ। और शब्दों का माध्यम छूट चुका था तब पहली बार ही उससे मेरा संवाद हुआ। अंतिम सार्थक, अंतिम सार्थक। सिर्फ एक क्षण पहले ही यह स्थिति थी, सिर्फ एक क्षण पहले ही यह स्थिति थी कि कोई शब्द ही नहीं सूझता, कि कोई शब्द ही नहीं सूझता। आंखों की राह ही खुल सकती थी, आंखों की राह ही खुल सकती थी और वे वैसे ही अनभिव्यक्त सूखते रहते, और वे वैसे ही अनभिव्यक्त सूखते रहते उसकी गोद में। किंतु अचानक एक के बाद एक, किंतु अचानक एक के बाद एक उनके वर्ण मूर्तिमान हो आए। न कोई सतर्कता, न कोई हलचल, न कोई सतर्कता, न कोई हलचल। चार बातें सुख दुख की, चार बातें सुख दुख की, मिलने बिछड़ने वालों के संबंधों की, मिलने बिछड़ने वाले वालों के संबंधों की। कुछ बनाई हुई शिकायतें, कुछ बनाई हुई शिकायतें, उन्हीं में खोया हुआ एक मैं और छिपी हुई वो, उन्हीं में खोया हुआ एक मैं और छिपी हुई वो। और बार बार टकराने वाला, और बार बार टकराने वाला आग्रहहीन समय। संवाद हुआ शब्दों में ही, संवाद हुआ शब्दों में ही। मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्या तुमने कहा था कुछ, क्या तुमने कहा था कुछ, सचमुच सचमुच।